नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि जैसे कि मैंने अपने पेशेंट को जैसे कॉल आया और उसको एडवाइस किया कि आप जैसे अपना ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने दांतों की स्केलिंग करा लीजिए। चार पांच पेशेंट को मैंने एडवाइस किया लेकिन उन्होंने ये बोला कि सर दांत की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत घिस जाते हैं। तो ऐसे कई लोगों का रिप्लाई मेरे पास आया, मेरे पेशेंट भी मेरे क्लिनिक में आए, उनसे भी मैंने बोला कि आपके दांत थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, उनकी सफाई करा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि दांत के सफाई कराने से सर कुछ लोग बोलते हैं कि दांत घिस जाते हैं। तो आज मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाला हूँ जिससे दांत साफ करने से दांत घिसते नहीं हैं, दांत की सफाई अच्छे से हो जाती है और इससे दांत की सफाई लगभग हर 6 महीने पे हर इंसान को कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वो भी इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जिससे कि दांत की सफाई करने से दांत घिस भी जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके इस जो मिथ है, मतलब कि आपके दिमाग में जो भ्रम है, उसको दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से आप सफाई करवाइए जिससे कि आपके दांत घिसे ना। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उस तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। जो आपसे बोलता है कि अगर दांत सफाई कराने से घिस जाते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बताइए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से दांत घिसते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से दांत साफ होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार सर, और मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपको आपके जो भ्रम से दूर निकालने के लिए आया हूँ जिससे कि लोग दांत की सफाई कराने से क्या होता है कि दांत के और मसूड़े के बीच में जो खाना फंसा होता है, जो आप हम लोग अपनी भाषा में प्लाक, कैलकुलस, स्टेन ये सब बोलते हैं, वो सारी चीज़ें रिमूव होने के बाद क्या होता है कि मसूड़े अच्छे से दांत पे चिपक जाते हैं और दांत को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। मतलब कि सफाई कराने से 10 से 15 दिन में आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सफाई भी एक जो सफाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जी हाँ, स्केलर से सफाई करानी चाहिए। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए और इसकी जो टिप होती है, ये जो टिप है, इस टिप से अगर सफाई होती है, इस टिप से दांत की सफाई होगी तो इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल बारीक सी टिप होती है और आपके दांतों के ऊपर ये सिर्फ लगेगी, ना कि इसका किसी भी प्रकार का दांत को घिसेगी। क्योंकि ये जो टिप होती है ना, ये आपके दांतों के ऊपर जो पान, तंबाकू, गुटखा का जो दाग है उसको छुड़ाने के लिए ज़रूरी होता है। और पान, तंबाकू, गुटखा का दाग जब आपका छूट जाएगा तो आपको एक और मोटिवेशन मिलेगा कि आपके दांत इतने अच्छे हैं तो आप अब पान, तंबाकू, गुटखा ना खाएं और दोबारा इसको ना खा के आप अपने दांत को गंदा ना करें। और अगर ये नहीं करेंगे, पान, तंबाकू, गुटखा ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्केलर से, इसी इंस्ट्रूमेंट से ही आप अपने दांतों की सफाई करवाइएगा। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि दांत घिसते हैं, दांत को जैसे क्राउन कटिंग करने के लिए की जाती है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये स्केलर है, ये देखिए, ये आपको डेंटल चेयर में डायरेक्ट लगा होता है और वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो है आपका बाहर से होता है, अलग से होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट से आप दांत को घिस सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी दांत की सफाई करवाने जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, रेपुटेड डॉक्टर्स के पास जाइए, जिससे कि वो डेंटल स्केलर से ही आपकी दांत की सफाई करें, ना कि आपके एरोटर से। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं मार्केट में जो कि एरोटर से दांत की सफाई कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। मतलब कि अगर आप डेंटल स्केलर से सफाई करवाते हैं तो वो स्केलिंग करने में, नॉर्मली बहुत अच्छे से सफाई कराने में आपको लगभग आधा घंटा, 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक आपको लगता है। लेकिन अगर आप एरोटर से स्केलिंग करते हैं जल्दी जल्दी में, तो दांत के ऊपर की लेयर ही तो सिर्फ घिसनी है, तो अगर ऊपर की लेयर घिस जाएगी तो फिर आपको पानी वानी लगने लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। स्केलिंग कराने में आपको हल्का सा सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी उन दांतों में होगी जिसकी, जहाँ की इनेमल थोड़ी सी पतली होती है, नहीं तो सेंसिटिविटी आपको नहीं होगी।
और स्केलिंग कराने से आपके दांत मजबूत होते हैं, दांत की जड़ मजबूत होती है और दांत की उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाती है। इसलिए ये कभी मत भूलिए कि दांत की सफाई कराने से दांत मजबूत होता है। दांत की सफाई कराइए, ना कि दांत को घिसवाइए। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको दांत को साफ करता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट दांत को साफ नहीं करता है, दांत को घिसता है।